सबको पता है कि अगर हम बाजू वाले दुकान में कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो अगर वहां पर 10 रुपया का मिलता है, अगर सामने वाला बंदा 9 रुपया में बेच रहा है तो वो भी अगले दिन ही 10 रुपया कर देता है। तो इसी प्रकार चलता है बैंक का भी नियम। अगर आपको पता हो कि ICICI बैंक में क्या हुआ था, रेंट पेमेंट के ऊपर कुछ चार्ज लगा दिया गया, तो मैं आपको पहले बता दिया था कि अभी ऐसे ही हर एक बैंक में नया नया चार्ज लगने ही वाला है और हो गया। अभी SBI बैंक में नया अपडेट आ चुका है। अगर आपके पास SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है तो अभी SBI बैंक ने भी एक नया अनाउंसमेंट कर दिया है। और अनाउंसमेंट यह है कि अगर आप अभी SBI क्रेडिट कार्ड से अगर आप रेंट पेमेंट करेंगे तभी आपसे को टोटल 99 रुपीज पर ट्रांजेक्शन देना पड़ेगा। और पर ट्रांजेक्शन के ऊपर मतलब यह हुआ है कि जैसे कि अगर आप मान लीजिए 10,000 का मनी ट्रांसफर करेंगे तो उसके ऊपर आपको टोटल 99 रुपीज इसका जो सर्विस चार्ज लगाया गया है वो प्लस GST यानी टोटल मिला के 117 रुपया आपको एक ट्रांजेक्शन के ऊपर देना पड़ेगा। अगर आप अपना इसी क्रेडिट कार्ड से अगर आप 10,000 रुपया या 20,000 रुपया ट्रांसफर कर लिए हैं सेविंग अकाउंट में तो आपको पहले तो 117 रुपया बैंक लेगा, उसके बाद अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से मनी ट्रांसफर किए हैं तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी आपसे 100 या 150 रुपया चार्ज लेगा, यानी टोटल मिलाकर आपको 230 रुपया समथिंग चार्ज लगेगा। यही पैसा को अगर आप EMI में कन्वर्ट करवाएंगे तो इसके ऊपर जो आपको इससे पहले चार्ज लगता था वो लगता था सिर्फ 99 रुपीज, लेकिन अभी आपको देना पड़ेगा 199 रुपीज, यानी टोटल आपको इसमें भी GST इंक्लूड किया गया, यानी 18% GST इसमें भी आपको देना पड़ेगा, यानी टोटल मिलाकर यहां पे भी 237 आपको चार्ज लग गया, एक्स्ट्रा हो गया है। तो गाइस अभी मिला जुला के बोल दूं तो अभी पूरे कार्ड जो है जितना फैसिलिटी देता था वो धीरे धीरे करके बंद करते जा रहा है। अगर हाँ अगर देखिए अगर हम रेंट पेमेंट करेंगे तो हमको 170 रुपया देना पड़ेगा बैंक को पर्सनली, उसके बाद थर्ड पार्टी को देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस पे होशियारी करना चाहेंगे तो आप तो होशियारी करके ये 170 रुपया को बचा सकते हैं, लेकिन आपको जो प्रोसेसिंग फी थर्ड पार्टी को लग रहा है वो आपको लगता रहेगा। तो बता दूं कि अभी मक्खन चाहे आप इस हाथ से खाइए या इस हाथ से खाइए, आपको खाना तो है ही, लेकिन आप चार्ज थोड़ा बचा सकते हैं। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपसे इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हमको ये चार्ज बचाना है तो मैं आपको बचा कर दे सकता हूं। लेकिन अगर आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप अभी रेंट पेमेंट करेंगे तो जो अभी SBI का जो नियम लगा दिया गया ये 15 नवंबर से चालू हो जाएगा। 15 नवंबर तक अगर आप इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपसे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगाया जाएगा, बट 15 नवंबर के बाद ये जो है अप्लाई हो जाएगा। फिर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे रेंट पेमेंट के थ्रू तो आप सब चाहे 50 रुपया कीजिए या 5 लाख के कीजिए या 50,000 के कीजिए, जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसके ऊपर आप सबको पर ट्रांजेक्शन आप सबको 170 रुपया पे करना पड़ेगा। सो गाइस यही एक बुरा अपडेट दिया है SBI बैंक ने, तो सोचा कि आप सबको बता देना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।